नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज शुरू होने जा रही है। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा होंगे, जबकि T20 मैच के लिए टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। हालांकि टीम चुने जाने से पहले तय कयास लगाए जा रहे थे कि T20 क्रिकेट टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जाएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले हार्दिक पांड्या ही T20 टीम के कप्तान थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उप कप्तान थे। ऐसे में सभी को यही उम्मीद थी कि हार्दिक ही टीम इंडिया के कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन चयनकर्ताओं ने श्रीलंका दौरे के लिए हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया। बता दें कि अब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को कप्तानी क्यों दी गई। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल हार्दिक पांड्या भारत के शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक ने गेंद और बल्ले दोनों से ही भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हार्दिक पांड्या ने 6 पारी में 151 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 144 रन बनाए थे और साथ ही 11 विकेट भी झटके थे। फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ने टीम को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि चयनकर्ता हार्दिक पर कप्तानी का बोझ नहीं डालना चाहते थे, ताकि वे अपना खेल दबाव मुक्त होकर खेल सके। सूर्य कुमार यादव का खिलाड़ियों के साथ तालमेल वैसा ही है जैसा रोहित शर्मा का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन को टीम में बने रहने के लिए मनाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज ने मानसिक थकान का हवाला देते हुए सीरीज के बीच में ही घर जाने का विकल्प चुना था। सूर्य कुमार यादव दुनिया के दूसरे नंबर के इंटरनेशनल T20 बल्लेबाज हैं। सूर्य कुमार यादव की संवाद करने की शैली ने उन्हें कप्तान के रूप में चुने जाने में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि BCCI की ओर से पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया था कि अब टीम का चयन T20 वर्ल्ड कप 2026 को नजर में रखकर किया जाएगा।